सरकारी नौकरी की तैयारी घर बैठे करने के लिए एग्जाम टिप्स बाय रवि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारे लेक्चर्स के अपडेट्स मिल सकें और आप उन्हें सेल वाइज देख सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस लाइक बटन को दबाकर इसे लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिप्स बाय रवि। तो देखिए, आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का 30वां लेक्चर हम पढ़ेंगे और आप जानते हैं हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ये चैप्टर जो है शुरू किया हुआ है और इस चैप्टर का ये 3रा लेक्चर होगा। आज के इस वीडियो में आर्टिकल 14 की पूरी डिटेल हम देखेंगे जो है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा, रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और जो भी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुत पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। इसके फ्री PDF मिल रहे हैं आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है या आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @exam_tips_by_ravi सर्च कर लीजिए, तब भी हमारा ये चैनल आ जाएगा, वहाँ पे इसके जो भी पढ़ाएगा इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 अच्छे से पढ़ लिया है और आपको मालूम होना चाहिए अब आर्टिकल 14 से आपका शुरू हो गया है समता या समानता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक रहेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले 14 आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है आपको देखिए, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, सबसे पहले आपको यह मालूम है राज्य, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य का मतलब क्या है। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र जिसमें पूरे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भी जो फ्यूचर में जो क्षेत्र अर्जित किए जा सकते हैं भारत के, वो सभी आ जाएंगे। आर्टिकल 1 आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया होगा, भूल तो नहीं रहे ना, जो पहले हम पढ़ा रहे हैं वो याद रखिए। संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो भाग एक था उसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 थे। तो आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो फिलहाल आपको इतनी बात समझ आ गई, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, यहाँ पे व्यक्ति का मतलब, जब भी व्यक्ति आएगा तो व्यक्ति का मतलब भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं भारत के वो भी, और जो विदेशी हैं और जो बाकी जो संस्थाएं हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, और संगठन जो है वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि ये जो अधिकार है विदेशियों के लिए भी है और नागरिकों के लिए भी है। आपको बताया गया है स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को स्पेशल प्राप्त हैं, वो अभी आते जाएंगे, मैं आपको लगातार बताते जाऊंगा। ऑलरेडी पहले हमने आपको डिटेल में बता दिया था सब, जैसे भी पढ़ेंगे आर्टिकल 15, 16 और 19, 29 और 30, ये जो है केवल स्पेशली भारत में रहने वाले नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। मगर जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 14, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ से, या विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ से वंचित नहीं करेगा। देखिए, अभी ये लाइन आपको नहीं समझ में आई होगी शायद, मगर मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ और एक एक चीज में आपको बताऊंगा और रियल लाइफ के एग्जाम्पल लूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे शब्द आ रहा है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, तो इसका मतलब क्या है। तो इनको दो भागों में हम देखिए पढ़ते हैं अलग अलग से, ये कि विधि के समक्ष समता, सबसे पहले क्या है विधि के समक्ष समता, उसके बाद विधियों के समान संरक्षण। तो सबसे पहले देखिए, विधि के समक्ष समता का मतलब ये है कि विधि के सामने सभी समान होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपराध आप करते हैं, आपको मिल जाती है सजा उसकी 5 वर्ष की, और वही अपराध अगर अक्षय कुमार ने किया हो उनको भी 5 वर्ष की सजा मिलेगी, और वही अपराध अगर मुकेश अंबानी ने किया हो फिर भी 5 वर्षों की सजा मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं कि कानून के सामने सभी समान होंगे, कानून कोई भी नियम निकालेगा वो उसके सामने क्या होंगे, कानून के सामने चाहे गोरा हो, मोटा हो, लंबा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब समान होंगे। तो विधि के समक्ष समता का ये इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए, हमारे आर्टिकल 14 में इसी से काम चल जाता है विधि के समक्ष समता, तो ये क्यों लाया गया विधियों के समान संरक्षण, ये शब्द क्यों लाया गया। अगर देखिए, अनुमान लगाइए, अगर ये शब्द ना होता, केवल यही शब्द होता विधि के समक्ष समता, तो इसका मतलब कोई भी कानून नियम बनाती है या कोई भी अवसर लाती है तो उसमें सभी को समान अधिकार होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल एक बता दिया, अपराध किया, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए कि आप ऑनलाइन परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा देने जा रहे हैं, A, B दो स्टूडेंट है, एक का नाम A है, एक का नाम B है। एक जो स्टूडेंट है वो पूरी तरह से शारीरिक रूप से पूरा स्वस्थ है,
जबकि जो बी स्टूडेंट है ये जो है आंखों से थोड़ा बाधित है, दृष्टि बाधित है, इसकी जो निगाहें बहुत कमजोर हैं। अगर दोनों को ही समान अवसर दिया जाए, मतलब उस पेपर को, ऑनलाइन पेपर को 2 घंटे में इसको पूरा करना है और 2 घंटे में इसको भी पूरा करना है, तो बी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, बी के साथ अन्याय हो जाएगा ना, क्योंकि अगर यही शब्द होता विधि के समक्ष समता, तो हमें क्या करना पड़ता, ए को भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा और बी को भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से हकीकत में जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसको उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है अगर यही शब्द होता। तो इसलिए ये शब्द लाया गया विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण का मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। अगर परिस्थितियां समान नहीं है तो सेम व्यवहार नहीं किया जाएगा उस कानून के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ, जैसे स्टूडेंट ए है, बी है और सी है, और देखिए ए शारीरिक रूप से स्वस्थ है और काला है, और बी भी शारीरिक रूप से स्वस्थ है मगर ये गोरा है, और सी जो है ये दृष्टि बाधित है। सी क्या है? दृष्टि बाधित है। तो अब क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, अब क्या किया जा रहा है, अब इस विधियों के समान संरक्षण में इसमें क्या किया जा रहा है, अगर समान परिस्थितियां तो समान व्यवहार। अब ऑनलाइन एग्जाम को पूरा करना, इसको भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इसको भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, तो ये दोनों की परिस्थितियां समान है ना, चाहे गोरा है चाहे काला है, उससे थोड़ा कोई मतलब है, तो दोनों को समान समय दिया जाएगा। जबकि सी है, इसको थोड़ा सा अधिक समय इनकी अपेक्षा दिया जाएगा, मान लिया 3 घंटे का या 2.5 घंटे का समय दिया गया। अब जो है तीनों के साथ न्याय हुआ, अब तीनों के साथ क्या हुआ, न्याय हुआ। और तीनों के साथ अगर हकीकत में देखा जाए तीनों को समानता मिली ना, तो मेन उद्देश्य यही है आर्टिकल 14 का कि सबको समानता मिले, चाहे वो इस शब्द के कारण मिले विधि के समक्ष समता के कारण, चाहे विधियों के समान संरक्षण के कारण मिले। अब देखिए विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन से लिया गया, ये कंसेप्ट जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण ये वाला शब्द जो है ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और ये ब्रिटेन से कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के एक न्यायवादी हैं जिनका नाम है एवी डाइसी, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे जो है विधि का शासन कहा जाता है। तो विधि के शासन के सिद्धांत को देखा जाए तो उसमें 3 बातें थी, जिनमें से पहली 2 बातें भारत के संविधान में ली गई हैं, तीसरी बात नहीं ली गई हैं, तो तीसरी का पढ़ने का मतलब ही नहीं है। पहली बात क्या है, पहली बात विधि के शासन में ये दिया गया है कि इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, अर्थात विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए। इच्छाधीन शक्तियां मतलब जैसे कोई राजा हो जाए वो सब नहीं होना चाहिए, कोई डिक्टेटर है वो सब नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे वो करे, वैसा नहीं होना चाहिए। विधि जो है वो सर्वोच्च होनी चाहिए। अगर विधि के सामने आपने अपराध किया है तो चाहे आप गोरे हो चाहे काले हो, तो आपको सजा उसकी दी जाएगी, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, आपको सजा दी जाएगी। और दूसरी बात, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है कानून से बड़ा नहीं होगा, सबके लिए कानून समान होगा, चाहे मुकेश अंबानी जी हो, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं। तो ये 2 बातें ली गई हैं। और तीसरी बात ये थी, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता वहां बताई गई है, मगर ये हमने हमारे संविधान में नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि देखिए विधि के समक्ष समता ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहलाता है, नकारात्मक कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और जबकि विधियों के समान संरक्षण ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहलाता है। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। हालांकि दोनों का जो पर्पस है, दोनों का जो पर्पस है वो आपको समानता देना है, चाहे वो विधि के रूप में समानता हो, कानूनी रूप में समानता हो, चाहे अवसर के रूप में समानता हो, चाहे न्याय के रूप में समानता, दोनों का उद्देश्य जो है वो समानता देना है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर केवल यही शब्द होता है, केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ ही होता हमारे आर्टिकल 14 में, तो क्या होता, देखिए टिकट काउंटर है यहाँ पे, रेलवे का टिकट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 तरह के पर्सन है, यहाँ पे आपके पास 3 तरह के पर्सन है जो टिकट लेने आए हैं, एक ए बी सी। ए में वो है जो कि यंग लड़के हैं, और जबकि बी में 60 साल से ज्यादा की उम्र के ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और जबकि सी में महिलाएं हैं, और टिकट लेना है। अगर विधि के समक्ष समता की बात की जाए तो एक ही लाइन होनी चाहिए, सभी एक ही लाइन में लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना, बी और सी के साथ, मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और महिलाएं हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, तो उनको समानता थोड़ी ना मिल पाई है, क्योंकि जैसे जो यंग लड़के हैं वहां पे उनकी शारीरिक क्षमता ज्यादा है, वो लाइन में बहुत देर तक खड़े रह सकते हैं, जबकि शारीरिक रूप से ये दोनों जो है बी और सी उतने सक्षम नहीं है, तो इनके साथ समानता तभी होगी
कि तीन लाइन बनाई जाए तीनों की अलग अलग, तब तीनों को क्या मिल गई, समानता मिल गई। तो वहां पे क्या होगा, ये तभी हो सकता है विधियों के समान संरक्षण, ये वाला जो शब्द है ये हमारे आर्टिकल 14 में है, तभी ये हो पाएगा। अगर ये नहीं होता तो इसी के तरीके से चलते तो अन्याय हो जाता। आप समझ रहे ना, यहाँ पे क्या बता रहा है, विधियों के समान संरक्षण मतलब समान परिस्थिति दोनों की तीनों की होगी तब जाकर कानून सेम लगना चाहिए उनके पास, मतलब विधि के सामने समान तभी होंगे अगर तीनों की परिस्थितियां सेम है, अदरवाइज नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। तो इसलिए हमारे संविधान में क्या है, दोनों बातें हैं। तो दोनों बातें से होने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा, आपको समानता मिलती रहेगी। और कुछ अपवाद हैं तो उनको छोड़ दिया जाए तो हमारा संविधान जो है विश्व के संविधान का सबसे अच्छा है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, ये और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तीन तरह के व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए जो है बहुत ही ज्यादा गरीब है, बी जो है वो मिडिल क्लास का है, और सी हाई क्लास का, बहुत अमीर है। अगर और आप जानते हैं सरकार जो है टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है। अगर विधि के समक्ष समता केवल यही शब्द होता आर्टिकल 14 में तो क्या होता, तो सबके साथ समान व्यवहार किया जाता, जो गरीब है उससे भी उतना ही टैक्स लिया जाता और बी से भी उतना ही टैक्स लिया जाता, सी से भी उतना ही टैक्स लिया जाता, तो ए और बी के साथ अन्याय हो जाता। सी तो बहुत अमीर है तो इसकी बात तो छोड़िए, जबकि ए जो है बहुत गरीब है और बी मिडिल क्लास का है, सबको समान टैक्स देना पड़ेगा तो इनको भारी पड़ेगा ए और बी को, जबकि सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके साथ इक्वालिटी तभी हो पाएगी जब बोल दिया जाए कि जैसे 3 लाख से कम अगर आपकी इनकम है एक साल में तो आपको कोई टैक्स नहीं, अगर 3 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 10%, और 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 20%। तो इस तरीके से तीनों को समानता हो जाएगी, तीनों के लिए सही हो जाएगा, तीनों के साथ न्याय हो जाएगा। ठीक है, तीनों को इक्वालिटी मिल गई ना, तो वो तभी हो पाएगा जब विधियों के समान संरक्षण ये शब्द रहेगा हमारे आर्टिकल 14 में, जो कि है। तो इसीलिए समझ पा रहे हैं ना आप, वेरी गुड। तो ये उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 14 जिसमें दो शब्द आते हैं विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, दोनों शब्दों का अर्थ आपको मालूम पड़ गया है। ठीक है, देखिए ये शब्द भी बहुत जरूरी है, विधि के समक्ष समता, क्योंकि क्राइम किया है चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे बहुत ही ज्यादा अमीर हो, तब भी उनको सजा बराबर ही मिलेगी। अब ये वाला शब्द नहीं काम करेगा वहां पे। ठीक है, ये नहीं आप कह सकते क्योंकि स्थितियां जो है अलग अलग हैं तो उसे अलग अलग कीजिए, इनको अलग अलग सजा दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वहां पे यही स्ट्रिक्टली लागू होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 14 को बेसिक स्ट्रक्चर ये घोषित कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आपको मालूम होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट 1973 में आया था जब केशवानंद भारती का मामला आया था। केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच में जो मामला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का वो जो है बात उठाई थी। इसके पहले आपको मालूम हो गया होगा आर्टिकल 13 आपने पढ़ा होगा ना, आर्टिकल 13 में चौथा क्लॉज जोड़ दिया था इंदिरा गांधी की सरकार ने कि जो है संविधान में संशोधन ये विधि नहीं माना जाएगा, मतलब संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है। मगर ये जो चौथा क्लॉज जोड़ा गया था 1971 में जोड़ा गया था, जबकि उसके 2 साल बाद 1973 में जब मामला आया केशवानंद भारती का तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, संविधान में संशोधन कोई विधि नहीं है, मगर ये तभी तक पॉसिबल है जब तक आप संविधान में संशोधन करके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अगर मूल ढांचे में परिवर्तन हो रहा चाहे आपने संशोधन ही क्यों ना किया हो तब भी हम उसकी समीक्षा करेंगे। नहीं आपको समझ में आ रहा तो आर्टिकल 13 अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे पहले वाला वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, अगर देखा है आपने तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आर्टिकल 14 जो है सर्वोच्च न्यायालय का ये मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो उल्लेख किया गया है विधि का शासन है वो संविधान का मूलभूत तत्व है, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर है तो कोई भी संशोधन करके या किसी भी तरीके से सरकार जो है इसको हटा नहीं सकती, इसको बदल नहीं सकती। अब देखिए आपने आर्टिकल 14 अच्छे से पढ़ लिया, अब देखिए आर्टिकल 14 समता का मतलब बता रही है ना, विधि के सामने सब समान है, मगर कुछ अपवाद हैं, तो अपवाद देख लेते हैं। अपवाद आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये ताकत दी गई है, ये शक्ति दी गई है कि जब तक उनका कार्यकाल रहेगा तो उनके कार्यकाल के रहते हुए वो जो भी निर्णय लेंगे उन पर आप मुकदमा नहीं चला सकते हैं, या उनको आप जेल में नहीं भेज सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। राज्यपाल और राष्ट्रपति को जब तक उनका कार्यकाल चल रहा है कोई भी डिसीजन उन्होंने ले लिया चाहे वो राष्ट्र के खिलाफ ही क्यों ना हो तब भी आप उन्हें जो है उन पर ना मुकदमा चलाया जा सकता, ना उन्हें जेल में भेजा जा सकता है, ना ही उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। और इसमें देखिए फिर आर्टिकल 361A के तहत संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही का प्रकाशन का संरक्षण दिया हुआ है, मतलब आर्टिकल 361 क के तहत कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा या लोकसभा की जो कार्यवाही हो रही है
उसको उसका प्रकाशन कर सकता है, मतलब समाचार पत्र में या रेडियो में उसका प्रकाशन कर सकता है। और उसके अगर वैसा करता है, समाचार पत्र में या रेडियो में उसका प्रकाशन करता है, तो उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जैसे आप मीडिया वाले हैं और आपने जो राज्यसभा या लोकसभा में जो सत्र चलते हैं, अगर उनका प्रकाशन आपने समाचार पत्र रेडियो में कर दिया, तो आपके खिलाफ कोई भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करवा पाएगा। उसका देखिए आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों, जो सांसद होते हैं, उनको छूट दी रखी है कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा में अगर वो संसद के सदस्यों को छूट दे रखी है, मतलब जैसे सांसद हैं, संसद के अंदर अपना मत रख सकते हैं, अपनी कोई भी बात रख सकते हैं, और उनके खिलाफ कोई भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती, या उन्होंने गलत मत रख दिया या कुछ भी अपशब्द बोल दिए हैं, फिर भी उनके खिलाफ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। अभी हाल ही में एग्जाम्पल, 3-4 महीने पहले का एग्जाम्पल है, समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने भगवान श्री राम के लिए कुछ अपशब्द बोल दिए थे वहां पे संसद में, फिर भी उनके खिलाफ जो है कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती, या किसी ने उन पर मुकदमा नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल 105 में उनको जो है इम्यूनिटी दी गई है कि कुछ भी अपना मत रखते हैं या कोई बात रखते हैं तो उनके खिलाफ कोई न्यायालय नहीं जाएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 194 में जैसे संसद में वैसे राज्य की जो विधानमंडल है उनके सदस्यों को सेम पावर दी गई है कि वो भी राज्य की विधानमंडल में अपना कोई मत रखें, तब भी उन पर कोई जो है न्यायालय की द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और देखिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी मेंबर हो या फॉरेन डिप्लोमेट हो जो भारत के अंदर है, और वो कोई क्राइम कर देता है या कोई गलत काम कर देता है, फिर भी भारत के द्वारा उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती, उस पर जो है न्यायालय में कोई केस नहीं किया जा सकता, जबकि उनको जो है जिस देश के हैं उस देश में भेजा जाएगा। अगर फॉरेन डिप्लोमेट है कोई, तो उस देश में, जिस देश के हैं उस देश में उनके लिए कार्यवाही होगी, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। और वहीं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्सन है इस रिलेटेड, ये हमारे न्यायालय में इसके खिलाफ जो है कुछ नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में मुकदमा चलेगा वो, ठीक है। उसका देखिए यहाँ 31C की बात हो रही है, 31C आपको, हालांकि ये आगे चलकर बहुत अच्छे समय में आएगा, 31C, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जहाँ 31C आता है वहाँ आर्टिकल 14 चला जाता है, मतलब जहाँ 31C की बात आएगी वहाँ पे आर्टिकल 14 काम नहीं करेगा। अब 31C में ऐसा है क्या, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। 31C देखिए, 31C जो है ये आपका आर्टिकल 14 का अपवाद है, ठीक है। 31C के अनुसार किसी भी राज्य विधानमंडल के द्वारा यदि कोई नीति निर्देशक तत्व को लेकर 39 ख और ग में कुछ जोड़ा जाता है और वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उस आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी आप पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, इसके बाद पढ़ेंगे ना, तो नीति निर्देशक तत्व का मेन मकसद क्या होता है, राज्य के कल्याण के लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो उस सिलसिले में वो राज्य की विधानमंडल कोई कानून बनाकर 39 ख और ग में कुछ संयोजित करती है जो कि आर्टिकल 14 का अगर उल्लंघन कर रही है, फिर भी आप इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। मतलब 31C में क्या लिखा है कि अगर 39 ख और ग में कुछ जोड़ा जाता है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, तब भी आप उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये लिखा है। तो मतलब 31C जब आएगा ये सर्वोच्च हो जाएगा, जब 31C आएगा, बात 31C की बात आएगी, तो आर्टिकल 14 काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलकर देखेंगे जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब भी आपको 39 के बारे में मालूम पड़ जाएगा क्या है ये सब, और आगे चलकर 31C के बारे में भी आएगा ही, वो आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी। तो ये थे अपवाद, ये अपवाद भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कोई डाउट रह गया हो तो बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, हम वो भी आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और स्क्रीन पे जो 4 वीडियो आपके आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।